कैलाशपति मिश्रा की जयंती के मौके पर जेपी नड्डा कल पटना आ रहे हैं। ऐसे में उनकी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और पटना के बापू सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कह सकते हैं कि 9 महीने में दूसरी बार जो है जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर स्वर्णों को एकजुट करने के लिए जेपी नड्डा ने ये रणनीति बनाई है और भाजपा की ओर से ये रणनीति बनाई गई है। कहीं ना कहीं स्वर्णों के वोटों पर भले बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण जातियों की अंदर नाराजगी है। और ये तस्वीर देखिए, पटना के ऐसे तमाम चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं। 100वीं जयंती पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से जातियों को गोलबंद शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राज्य में अपने पूरे जमीन तलाशने में जुट चुकी है। वहीं स्थिति में जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ साथ जनसंघ और बीजेपी के पुराने नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। वहीं इसको लेकर बिहार में भूमिहार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो बोचहा के उपचुनाव और इसकी बानगी भी देखने को मिली। हालांकि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार कैंडिडेट को मैदान में तो उतारा, लेकिन इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी ज़रूरी है। वहीं ना कहीं मोकामा सीट वो हार चुके थे। भले भूमिहार को उन्होंने उतारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं अब सभी पार्टियों की नज़र स्वर्ण और अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। वहीं जदयू की पार्टी की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंपी गई थी। वहीं कांग्रेस ने भी अखिलेश प्रसाद सिंह के कंधे इसकी जिम्मेदारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि भूमिहार पटना में वैशाली मुजफ्फरपुर मोतिहारी जहानाबाद बेगूसराय नवादा सीतामढ़ी आरा जीत कर हार का ताकत देखने को मिला था। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भूमिहार और स्वर्ण जातियों को एकजुट करने के लिए बीजेपी अभी से ही लग चुकी है, क्योंकि उसका नतीजा जो है उन्हें देखने को मिला था मोकामा में। ऐसे में कहीं ना कहीं कैलाशपति की जयंती के मौके पर 100वीं जयंती के मौके पर जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं और जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए बन चुका है। जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया, कहीं ना कहीं कई जातियों को स्वर्ण खासतौर पर स्वर्ण जातियों और के लोगों को जो है संख्या कम बताई गई है और सबसे अधिक संख्या यादवों को बताई गई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा अपने मन से जब रैली को संबोधित करेंगे तो सरकार पर भी निशाना साधेंगे और तेजस्वी और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधेंगे। कई ऐसे बिहार के मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या अपराध का मामला हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो है जेपी नड्डा इसको लेकर संबोधन में हमला भी कर सकते हैं सरकार पर। तो ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से है तैयारी पूरी कर ली गई है और पटना के तमाम चौक चौराहे पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और पूरी तरीके से जो है पटना एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक ढोल नगारों की आवाज़ सुनाई कल देगी और उनके स्वागत के लिए तमाम जगहों पर मंच भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में स्वर्ण जातियों को एकजुट करने के लिए एक बार फिर से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दूसरी बार पटना आ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।